हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवेज की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-9 और डीजल लोकोमोटिव WDG-4 जो कि गुड्स ट्रेन के फुली लोडेड 59 वैगन को बड़े आराम से खींचता है। दोस्तों, हमारी इंडियन रेलवे में इससे भी पावरफुल लोकोमोटिव WAG-12 जो कि अभी ऑपरेशन में नहीं है, इसलिए इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, WAG-9 या WDG-4 जब 59 गुड्स वैगन को खींच सकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि वह पैसेंजर ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा कितने कोच को आसानी से खींच सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारी इंडियन रेलवेज की लोकोमोटिव मैक्सिमम कितने पैसेंजर कोच को खींच सकती है। दोस्तों, इस चीज का कैलकुलेशन करने के लिए हमें गुड्स ट्रेन के वैगन को रेफरेंस में लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक गुड्स ट्रेन जिसमें 58 से 59 वैगन होते हैं, अगर उसमें माल को पूरी तरह से लोड कर दिया जाए तो वह लगभग 4,800 या 4,900 मीट्रिक टन तक होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक वैगन का वजन लगभग 85 टन के बराबर होता है, जिसे कि लोकोमोटिव बड़े आराम से खींच लेता है। अब अगर बात करें पैसेंजर कोच की, तो यात्रियों से भरे हुए एक पैसेंजर कोच का वजन लगभग 50 टन तक होता है। इस तरह से एक लोकोमोटिव अगर गुड्स ट्रेन के 85 मीट्रिक टन वाले 58 वैगन को खींच सकता है, तब 50 टन वाले 98 से 100 पैसेंजर कोच को बड़े आराम से खींच लेगा। यानी कि एक WAG-9 या WDG-4 लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन के अधिकतम 98 से 100 कोच तक खींच सकता है। लेकिन इतने कोच को कभी भी एक साथ नहीं लगाया जाता, क्योंकि हमारी इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म की साइज इतनी लंबी नहीं होती है जिससे कि यात्रियों को चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावे इतनी लंबी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म लाइन पर खड़ी होगी, तब वह मेन लाइन को भी ब्लॉक कर देगी, जिससे और ट्रेनों को आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावे कर्व ग्रेडियंट पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसीलिए पैसेंजर ट्रेन में 24 कोच से अधिक नहीं ऐड किया जाता। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर